हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने दो केसेस को बता दिया है। दूसरा केस में ये जो डिफरेंट लेवल के हैं, एट डिफरेंट लेवल, जैसे मैंने बात किया कि रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन एसेसिबल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, तो उसके जो दूसरा था बी वाला इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट डिफरेंट लेवल, उसमें का मैं बताने वाला हूँ। उसके भी दो केसेस हैं। दो केसेस क्या है? पहला केसेस है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर टू द ऑब्जेक्ट इज लोअर, लोअर है, ठीक है, यहां पर लोअर है, ठीक है। और दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर टू द ऑब्जेक्ट इज हायर, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं। इन दो केसेस को मैं दो वीडियो में बनाऊंगा। ये लोअर वाला एक बार मैं बता देता हूं, फिर बाद में दूसरे में आपको एच आई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर टू द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के नियर में जो इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस का हाइट है वो हायर हो तब क्या केसेस बनेगा और कैसे उसके आरएल फाइंड आउट करेंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। मेन एम यही है कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका बेस एसेसिबल ना हो और उसके टॉप का आरएल मुझे फाइंड आउट करना हो तो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हम कंडीशन देख रहे हैं और उस कंडीशन का हेल्प करके हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, लाइक या डिसलाइक जरूर करें। और अपने फ्रेंड को अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड को मिलेगा तो वो भी इसका बेनिफिट उठाएगा, तो फ्रेंड को भी जरूर शेयर करें कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो हम आ जाते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर टू द ऑब्जेक्ट इज लोअर, और ये कंडीशन क्या है कि बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल हो, बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन एसेसिबल हो तब उसके लिए कंडीशन है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए ऐसे कंडीशंस हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन जैसे यहां का मुझे पता हो, ये क्या है बीएम है, जहां का मुझे पता हो बेंचमार्क मतलब जहां का मुझे आरएल पता हो, आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, और रिड्यूस लेवल कहां से लिया जाता है, मीन सी लेवल से लिया जाता है, ठीक है। तो यहां का मुझे कहीं से लिया गया है और यहां का मुझे पता है, ठीक है। यहां से मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसका ये बेस एसेसिबल नहीं है, ठीक है। कहां से एसेसिबल नहीं है, एक मेरा एक्सिस, मैं लोअर की बात कर रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट की जो पहले है वो लोअर है, मतलब इसकी हाइट क्या है कम है और दूसरे की हाइट क्या है ज्यादा है, ठीक है। ये इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है, ठीक है। और यहां पर मैंने स्टाफ रखा, ठीक है, यहां से इसका लेवल ये जा रहा है और इसका लेवल ये जा रहा है, ठीक है। यहां मान लो पी मैंने मान लिया, ठीक है, तो पी से यहां देखना ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, यहां देखिए इसको पहले आपने एंगल लिया तो अल्फा वन बताया, यहां से आपने ये एंगल लिया तो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा टू बना रहा है। अल्फा वन जो मैंने बनाया है उसका हाइट एच वन ले लिया मैंने और इसकी हाइट एच टू मैंने लिया, अल्फा टू मतलब दूसरा वाला, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, ये मैंने बनाया, ठीक है, यहां पे कुछ भी नाम रख दो, यहां पे ए रख दो, बी रख दो, पी रख दिया, यहां पे सी रख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमको इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। अभी आपको मैं बता रहा था कि ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है इसके बीच का डिस्टेंस हमें बी पता हो, ये ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि दो इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो, और ये भी कंडीशन है कि ये अगर मैं देख रहा हूं यहां से इसकी तरफ तो इसका जो ये एक्सिस ये और ये सभी एक ही लाइन में होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी बाइसेक्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये इधर है तो वो जो ए मैंने लिखा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन, वो सेम वर्टिकल प्लेन नहीं होगा, डिफरेंट वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। एक सेम वर्टिकल प्लेन मतलब मैं इधर से देख रहा हूं तो इसी लाइन में दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी रखा है, इसी लाइन में ऑब्जेक्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी लाइन में मैंने बैक साइड जो लिया है स्टाफ वो भी इसी लाइन में होनी चाहिए, मतलब ये सभी एक ही लाइन में होने चाहिए, तभी बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन। अगर डिफरेंट वर्टिकल तो थर्ड केस जो बोला है, डिफरेंट वर्टिकल मतलब एक यहाँ पे, यहां से दोनों को ले रहे हैं और इसके बेस में हम कंडीशन अप्लाई करके उसका आरएल फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो कंडीशन इजी होता है इनके कंपैरिजन में करना, प्रैक्टिकली करना, थियोरेटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है,
करना करने तो हो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने बताया, ये आपको पता चल रहा है, जो नियरर है वो लोअर है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। दूसरे कंडीशन में ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तब यहाँ का आर एल कैसे फाइंड आउट करेंगे वही चीज सीख रहे हैं। सिंपल सर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का बीच का डिस्टेंस बी और जो नियर है उससे और आपके ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये इंक्लाइन डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। इतना पता चला। अभी यहां पर ध्यान दें, यहां पर वही कंडीशन अप्लाई करना है, पहले दो एक ट्राइंगल को लेना और यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां से H1 जितने हाइट पर, इस लेवल से H1 जितने हाइट पर P है, इस लेवल से H2 ये यहां का लिया तो H2 अल्फा 2 है, H2 जितने हाइट पर P है, ठीक है। अगर मैं ये पहले वाले का ट्राइंगल लेता हूं, पहले वाले का ट्राइंगल क्या है, ABP, ठीक है। ध्यान देना कि राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा नहीं कि ऐसे मिला के ऐसे लेना, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, तो कौन सा लिया मैंने, इन ट्राइंगल ABP, ठीक है, पता चल रहा। अब बी पे देखोगे तो 90 डिग्री है, एंगल बी पे देखोगे 90 डिग्री है, ओके। फिर उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूं, वही टेन अल्फा लगाएंगे क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस से कोई लेना देना नहीं है, टेन अल्फा 1 लिया तो हाइट अपॉन एडजेसेंट, हाइट क्या है H1 है और बेस कितना है डी कितना है, ठीक है। इतना पता चला, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फा 1, ये इक्वेशन 1। सेम कंडीशन इसके लिए, सी इसका नाम कुछ रख देते हैं, यहां से यहां तक इसका नाम डी रख देते हैं, तो सी डी पी इन ट्राइंगल सी डी पी, और जहां पे यहां एंगल डी पे 90 डिग्री है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि वो दिखता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वही टेन अल्फा 2 लगाना है, टेन अल्फा 2 मैंने लगाया तो क्या मुझे मिलेगा, ये बेस ये है और यहां से हाइट है, यहां से हाइट कितना है H2, तो H2 अपोजिट अपन एडजेसेंट ये क्या है B प्लस डी है। अब यहां पर कर लेंगे H2 इक्वल टू क्या होगा B प्लस डी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, मतलब B प्लस डी और टेन अल्फा 2, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ना तो H1 इक्वल टू है, H1 और H2 के इक्वल नहीं है, पहले वाले में देखा तो दोनों इक्वल थे क्योंकि सेम लेवल पे थे, यहां पर तो डिफरेंट है। अब मुझे ये दोनों ही नहीं पता है क्योंकि मैं कहां इसके अंदर खड्डा खोद के मैं पता कर रहा था कि कहां पर है, ये तो ये लैंड है, ये पूरा ये दिख ही नहीं रहे हैं, बट हम तो लगाए हैं कि हाँ इसका ये आ रहा है, ठीक है। H1 और H2 से तो मुझे लेना ही देना नहीं है, मत पता ही नहीं है ना, फाइंड आउट करेंगे तब ना। यहाँ पर डी नहीं पता है और डी इधर भी है, डी नहीं रहता तो चलो बी टेन अल्फा 2 करके मैं H2 फाइंड आउट कर लेता, लेकिन नहीं है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ये पता है कि जब मैं यहां से देख रहा हूं तो इसकी कुछ वैल्यू बताई होगी, और जब मैं यहां से देख रहा हूं स्टाफ पे तो इसकी कुछ वैल्यू है, तो ये डिफरेंट तो मुझे पता है, ये यहां से पूरे में से ये मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और ये वैल्यू आपको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ H1 में से H2 माइनस कर दे तो यही वैल्यू बताएगा, मतलब ये मैं क्या मान लिया HB मान लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हाँ ये से पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये HD मिलेगा, और ये HD क्या बता रहा है, H1 में से H2 माइनस करोगे तो वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या है, मैंने HD मान लिया है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये पूरे में से इसको माइनस किया तो ये HD, और ये लाइन भी यही बता रही है, ये लाइन देखो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही बता रहा है, और यहां से मुझे HD मिल रहा है, यहां से मैंने उसके बराबर HD कर दिया। अब देखो H1 क्या है, ये है D tan अल्फा 1 माइनस ये कर देंगे B प्लस D tan अल्फा 2, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे ये HD रहने देंगे, यहां पर क्या करेंगे इसको पहले ये वही रहने देंगे और मैं इसको तोड़ दूंगा, देखिए ये माइनस ये B tan अल्फा 2 माइनस B tan अल्फा 2, फिर ये माइनस प्लस माइनस D tan अल्फा 2 मिला, D वाला पोर्शन इधर रहने देते हैं, B वाला पोर्शन इस तरफ लेकर आते हैं, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा HD यहां माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा B tan अल्फा 2
और इस तरफ क्या बचा डी टेन अल्फा वन माइनस डी टेन अल्फा टू, तो डी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू, ठीक है। और डी इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ के अगर अकॉर्डिंग देखिए तो डी इक्वल टू क्या हो रहा है ये वैल्यू डिवाइड बाई ये, तो क्या मिल रहा है यहां पर डी इक्वल टू ये एच डी प्लस बी टेन अल्फा टू एच डी, ये एच डी ठीक है, ये दिया रहेगा इसका इसका स्टाफ वैल्यू और इसकी स्टाफ वैल्यू इसमें से माइनस करो वही एच वन माइनस एच टू है, ये कंडीशन में सब बता रहा हूं, आगे जब ये पता कर लेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवाइज हो जाए एच डी प्लस बी टेन अल्फा टू है ही है और डिवाइड बाई क्या आ गया ये आ गया टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू, सिंपल सा बताया कि जो एंगल बड़ा कौन होगा जो नियर होगा उसी का एंगल बड़ा होगा टेन अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये डी मिल गया। और डी की वैल्यू किसी एक में एच में रख दो यहां पे रख दो ठीक है, तो यहां पे इन इक्वेशन वन लिख सकते हो, इन इक्वेशन वन में हमने कीपिंग डी वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो यहां पे पुट करेंगे डी की वैल्यू तो क्या आ जाएगा एच वन ठीक है, इसमें कर लो या इसमें कर लो कोई फर्क, लेकिन यहां पर थोड़ा इजी रहेगा यहां पे भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तो यहाँ का आर की वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पे पुट कर दिया डी की वैल्यू ये पूरा एच डी प्लस बी टेन अल्फा टू के साथ ये भी लिख देते हैं टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू के साथ मल्टीप्लीकेशन है टेन अल्फा वन ठीक है, ये है ये मुझे एच वन मिल गया। अब देखो क्या मिला मुझे एच वन मिला एच वन, तो अगर मुझे इसका आर एल पता करना है तो क्या करना पड़ेगा ये आर एल प्लस बेंच मार्क प्लस ये वैल्यू पहले वाले का जो स्टाफ रेडी हो वो अब प्लस एच वन कर देंगे तो मिल जाएगा ठीक है, प्लस एच वन करेंगे तो मिल, क्योंकि एच वन फाइंड आउट किया, अगर एच टू फाइंड आउट किए होते एच टू तो एच टू फाइंड आउट करते तो फिर बाद में क्या करते बेंच मार्क प्लस ये वाला दूसरे वाले की स्टाफ की रेडी फिर बाद में प्लस एच टू करते तो पी पे पहुंच जाते। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप का उसके टॉप का आर एल फाइंड आउट कर सकते हैं जब अगर कंडीशन ऐसा हुआ तो ठीक है। तो इस बेसिस पे अभी ये जो मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट के जो नियर है जो ऑब्जेक्ट के नियर है वो लोअर है ये वाला कंडीशन पहला, अभी दूसरा वाला भी कंडीशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाता है तो आप लोग बोर होने लग जाते हो, इसलिए छोटे छोटे करके वीडियो में बना रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सको आसानी से इसे जान सको कि ताकि आपको ये चैप्टर करने में डिफिकल्टीज ना हो, डिफिकल्टीज तभी नहीं होगी जब ज्यादा से ज्यादा इसको करेंगे देखेंगे तभी नहीं होगी, नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये पॉइंट है ठीक है, एच वन मिल गया एच वन यहां तक ये लेवल पे मुझे ये बेंच मार्क प्लस ये करना है और एच वन एड कर दिए यहां पर पहुंच गए यहां का आरएल पता चल गया। तो ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपको देखिए कंडीशन सिर्फ ध्यान रखना कि मैं कौन कौन से कंडीशन के थ्रू कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन का नाम नहीं लिखा होगा वो अपने वे में बताया होगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कंडीशन हैं ऐसे ऐसे वे हैं, तो उस पे हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाँ ये इसमें कंडीशन ये केस अप्लाई किया है और इसके थ्रू मुझे इसके फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले लर्न करो तो भूल जाएगा लेकिन टेक्निक याद रहेगा तो तुरंत फटाफट ये वैल्यू मैं यहां समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा और इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करने में टाइम बिल्कुल ले लगेगा फटाफट आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे अल्फा वन की जगह पे अल्फा टू भी रख सकते हो तो उसके बेस में ये चेंज हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको टेक्निक याद रहना चाहिए फंडा याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ये याद है तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ कर सकते हो, तो ये करते रहना है और ये देखते रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करो, जितने ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करोगे उतने ही ज्यादा आपके लिए भी और मेरे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे ज्यादा लोग नहीं देखेंगे तो फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि ये पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं बनाते, तो आप देखते रहिए अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे अपलोड हो आप तक जरूर मिले, और बहुत जल्दी इसकी ये भी वीडियो बना देंगे ठीक है। उसके बाद केस थ्री जो है केस थ्री में डिफरेंट यहाँ पे बोला ना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन, तो ये सेम वर्टिकल प्लेन पे ना हो तब उसकी आर एल टॉप का कैसे फाइंड आउट करना है वो भी टेक्निक सिखा देंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट
एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, ठीक है। और अपने अपने टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल्स आप निकालो और मुझे सेंड करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, ठीक है। मेरे अबाउट चैनल पे जाइए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने न्यूमेरिकल सेंड करके रख दीजिए। जैसे ये कंप्लीट होता है तो न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अभी समय है, देखते रहिए और खुद भी बेनिफिट लीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड को भी हेल्प करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।